सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। ये क्या कर रहे हो बाबू? क्या है, हमें मारना चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को जलाना चाहता हूं मैं। परेशान किया तुमने मुझे, थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए तुम्हें भी। डाउनलोड हो जा। रंगीली, ये नौकरानी क्यों गई थी डॉक्टर के पास? सिद्धि की रिपोर्ट्स के बारे में पता कर ले, और वो भी नकली पुलिस ऑफिसर बन के। क्या रिश्ता हो सकता है इसका सिद्धि के साथ? हाँ, हमें तन्मय को रोकना होगा। रंगीली को चांद से मारने के पहले हमें उसकी सच्चाई जाननी होगी। आखिर क्यों सिद्धि की प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट्स के बारे में पूछताछ कर रही है वो? आ गए ये दोनों। कहाँ हो सकती है रंगीली की बच्ची? हे कान्हा जी, अंत कर दीजिए इस पहेली का, पहुंचा दीजिए हमें सच तक। जब तक हम अपने गुनेगार तक नहीं पहुंचाते, तब तक आपकी ये भक्त सिद्धि नौकरानी रंगीली बनके अपना काम करती रहेगी। इसका मतलब सिद्धि मरी नहीं, जिंदा है। कमाल की किस्मत पाई है इसने, जो इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद भी वो बच गई। दिमाग तो अच्छा लगाया तूने, लेकिन अफसोस, अफसोस कि तेरे खेल के बारे में हमें सब पता चल चुका है। तू तो माया का सच जान नहीं पाई, लेकिन माया तेरा सच जान चुकी है। अब इस खेल में माया तुझसे एक कदम आगे ही रहेगी। हाँ,
ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? इसका मतलब विनायक जिसे लेडी बॉस बोल रहे थे और कोई नहीं, मेरी माँ। माया बड़ी सियानी है, नहीं किसी से डरती है पर गुस्सा नहीं करती है। सिद्धि उसकी बहना है, तेरे बिना नहीं रहना है। सिद्धि तू तो बहुत अच्छी है, तू सबसे अच्छी है। किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को माया? क्या कमी रह गई थी हमसे बहन का प्यार निभाने में? इस सच की वजह से हम दूसरी बार मर गए। मां ये तुम्हारे लिए और ये भी तुम्हारे लिए। हमें भी शादी करनी है, हमें भी पति चाहिए। जो सिद्धि का वो माया का भी है। प्यार के मामले में तुझसे ज्यादा बदकिस्मत आज तक नहीं देखा हमने। जिस जिसको भी तूने दिल से प्यार किया उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। अब चाहे वो तेरा पति हो या तेरी बहन, दोनों को तूने जान से चाहा और दोनों ने ही तेरी जान लेने की कोशिश की। कल तक जो दोनों तेरी दुनिया थे, आज उन्हीं से कैसे बदला लेगी तू सिद्धि? I love Siddhi. जो सिद्धि का वो माया का भी है। माया, अगर आज तुम इस घर को छोड़ के गई तो मैं अपना हाथ जला दूंगा। रोलो, जी भर के रोलो। कहते हैं रोने से मन का बोझ हल्का होता है, इसीलिए हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हम समझ सकते हैं अपने पति और अपनी बहन से मिला इतना बड़ा धोखा, उसका दुख तुमसे सहा नहीं जा रहा। लेकिन बिटिया, अगर इस लड़ाई को जीतना है खुद को मजबूत करना होगा। मजबूत, लेकिन हमारी लड़ाई अपनों से अधिक थी। जिन्हें जान से ज्यादा प्यार की उन्हीं से नफरत करके कैसे जी पाएंगे? तुम्हारे अंदर चल रहे द्वंद को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन मत भूलो ये लड़ाई सत्य और असत्य की है, न्याय और अन्याय की है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन से यही कहा था कि युद्ध के मैदान में जो तुम्हारे सामने खड़ा है
वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा बंधु या तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। वो केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है। अपनों को खोने का मोह और भय तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य को पूरा करने से रोक रहा है। और आज यही बात तुम्हारे साथ भी हो रही है, इसलिए हम तुम्हें याद दिलाना चाहेंगे कि इस लड़ाई में अपने और पराए को भुलाकर अब तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्र करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा था दीदी, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और ना ही किसी का डर। हम अपने गुनेगारों का सच सामने लाकर रहेंगे दीदी, और उन्हें सजा दिलाकर रहेंगे। अपने पति और अपने बहन से उनका गुनाह कबूल करवा कर रहेंगे दीदी। ये हमारे मरे हुए बच्चे की सौगंध है आपसे दीदी। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अरे सूजी भुन तो गई है, अब तो पानी डालने दीजिए भाई। अच्छे से देख, अभी तक सूजी पे रंग नहीं आया। हाँ हाँ, आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है ना हलवा बनाने में। हाँ मानता हूँ एक्सपीरियंस नहीं है, पर सिद्धि को तो था। वो ऐसे ही बनाया करती थी बिल्कुल सेम, मुझे याद है। वाओ, जब खुशबू इतनी प्यारी है टेस्ट तो जान ही ले लेगा। बस पी कीजिए विनायक, जब से हलवा बना रहे हैं तब से आप इस हलवे के आसपास ही घूमे जा रहे हैं। इतना भी क्या पागलपन हलवे को लेके। पागलपन हलवे के लिए नहीं है, अपनी बीवी के हाथ से बने हलवे के लिए। अब बहुत हो गई तारीफ, चक्के बताइए कि हलवा कैसे बना। अब मैडम आपने हलवा अपने हाथ से बनाया है तो खिलाना भी तो अपने हाथ से पड़ेगा ना। चलो चलो। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। सावन भी तू, फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियूं। मेरा मन कैसा बना है? मीठा कम है। दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर। अब ठीक है। तुझसे मेरे दोनों जहां, धरती मेरी और आसमां, इतनी सी है नजदीकियां, आए कोई ना दरमियां। कभी कम ना हो इसका सुरूर। दो चुटकी, बस एक बार तुम वापस आ जाओ सिद्धि, उसके बाद मैं तुम्हें उन सारी यादों में ले जाऊंगा जो हमने एक साथ बनाई है, उन सारे लम्हों में ले जाऊंगा जो हमने एक साथ जी है। उसके बाद तुम मुझसे अपने सच को छुपा नहीं पाओगे, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि मेरी सिद्धि को रंगीली बन के इस घर में क्यों आना पड़ा। अरे भाई कहाँ खो गए, देखिए ना हलवा बन गया, टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। अच्छा एक काम कर, जल्दी से मुझे इसे दो कटोरी में डाल के दे दे। पर दो कटोरी क्यों भाई? एक मेरे लिए, एक रंगीली के लिए। मैं जा रहा हूँ, मैं तैयार होके आता हूँ और खुद लेके जाऊंगा इसे रंगीली के पास। ओके भाई, तो ये हलवा आपने उस रंगीली के लिए बनवाया है? क्यों नहीं, जब वो हमारे लिए इतना कुछ करती है हम भी इसका ख्याल रखने के लिए कुछ कर सकते हैं ना। और हाँ, उसकी कटोरी में ड्राई फ्रूट्स थोड़े ज्यादा डालना। ठीक है भाई।
विनायक ने रंगीली के लिए हलवा बनवाया है? कहीं विनायक को पता तो नहीं चल गया कि वो रंगीली नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब अरे जागृति, तुम यहाँ? दरिया तुम्हें कब से बुला रही है? शायद कोई काम होगा उन्हें तुमसे। अच्छा, अब लाओ ये मैं कर देती हूँ, तुम जाओ संभाल के। ये जड़ी बूटी इस हलवे को जहर बना देगी, जिसे खाने के बाद सिद्धि हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी, एक जिंदा लाश बन जाएगी। पिछली बार तो तू बच गई थी सिद्धि, पर इस बार नहीं बचेगी। ये माया का वादा है तुझसे। हमें शक्ति देना कान्हा जी कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके, विनायक का सच सबके सामने ला सके। बस एक बार वो हमारे जाल में फंस जाए। किसी तो... फंसाने का इरादा है? जरा मैं भी तो जानू। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैडम, किसे फंसाने की प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में? वो एक मच्छर है जो आजकल मेरे आसपास मंडराने की कोशिश में लगा रहता है। बस उसी को अपनी मुट्ठी में फंसा के उसका इलाज करना चाहते हैं। ये भी तो हो सकता है, जिसे आप मच्छर समझ रही हो वो एक दीवाना भंवरा हो, जो अपने मनपसंद फूल की कली की ओर खींचा चला आ रहा हो। चलो ये सब छोड़ो, आओ बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। लेकिन इसमें है का? टन टन, ये पांडे हाउस की किचन में बना, विनायक पांडे की रिक्वेस्ट और निगरानी में बना उसकी बहन के हाथ का स्पेशल हलवा। देखो अब टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है, खास तुम्हारे लिए बनाया। रुक जा सिद्धि, हर बार धोखा खाया है, इस बार इस इंसान का भरोसा नहीं कर सकती। क्या हुआ रंगीली? पगलैत समझे होगा रंगीली को। रंगीली कभी भी किसी भी अजनबी के हाथ से कुछ नहीं खाती, और तुम जैसों का क्या भरोसा? मुझसे परेशान होके ये हलवे में जहर मिला दिया तो? अगर आप सच में कान्हा जी की भक्त हैं, तो आपको सब कुछ भूलकर उनका ये प्रसाद लेना ही होगा। पर ये तो प्रसाद है ना, प्रसाद तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते, तुम मुझे ई हलवा खिलाना चाहते हो ना, तो पहले ई हलवा तुम खाओगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जहर दे के मारने की कोशिश करूंगा? यही जानने के लिए तो हम रंगीली बन के आए हैं यहाँ। तुम बड़े लोगों का क्या भरोसा कि मन में क्या चल रहा है? मेरा मतलब है कि कल वो केक तुम्हारे मुंह पे मारा था तो क्या पता बदला लेने के चक्कर में ई हलवे में जहर मिला दिया तो? कितनी बदल गई हो तुम सिद्धि। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं पहले खुद खा के दिखाता हूं तुम्हें। बाबू, बाबू क्या हुआ?
मैं किसी को बुलाती हूँ, कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही फिल्में देखती हो और तुम ही एक्टिंग करने आती है? अरे मैडम, ये बंदा भी कॉलेज के टाइम में कल्चरल फेस्टिवल में बहुत पार्ट लिया करता था। देखो सही सलामत खड़ा हूं तुम्हारे सामने, कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो अब बहुत हो गया, बैठो बैठो और अब टेस्ट करके बताओ इतने घंटों की मेहनत से बनाया हलवा, प्लीज बताओ कैसा बना है। बाकी बिहारी का प्रसाद समझ के आज तो खा ले, लेकिन अगली बार ऐसी कोई हरकत की ना तो साफ साफ कह देते कि रंगीली एक दिन और ना ही रुकेगी इस घर। शादीशुदा लड़कों का दूसरी लड़कियों से नजदीकी बढ़ाना रंगीली को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरे लिए कोई दूसरी थोड़ी हो, मेरी अपनी सिद्धि हो सिद्धि। तुम अब भी मेरे दर्द को नहीं समझ पा रही हो। अरे भाड़ में गई तुम्हारी सिद्धि, मैं कोई सिद्धि नहीं हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ वरना अभी बोरिया बिस्तरा बांध के रंगीली यहाँ से निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज तुम घर छोड़ के मत जाना, मैं जाता हूँ। हम तो समझ ही नहीं पा रहे विनय कि आपका असली रूप कौन सा, कभी जान बन के इतना प्यार लुटाते और कभी जान लेने की कोशिश करते। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.